Ramayana and Mahabharata, two of the greatest epics from India, will soon be taught in the schools of Saudi Arabia. सऊदी अरब ने अपनी टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम में महाभारत और रामायण को शामिल कर लिया है। वाह भाई वाह। सनातन 50,000 साल के इवोल्यूशन से बना है। जरा सुनिए। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वधाम। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। वहाँ की जो गवर्नमेंट आई है उसने वो बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड कर दिया हर चीज। हाँ भाई हाँ। दिस डिसीजन हैज बीन टेकन अंडर द विजन 2030 इनिशिएटिव ऑफ द सऊदी क्राउन प्रिंस। अब सऊदी अरेबिया के स्टूडेंट्स छोटी उम्र से ही रामायण और महाभारत की स्टडी किया करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भगवद गीता को उन्होंने प्रिंट करके सऊदी अरब में उन्होंने सेल किया, क्योंकि जो जो इंसान वो पढ़ेगा उससे उसको इंसानियत आएगी। कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। बात तो सही है। वहाँ पर रूल्स जितने भी हैं जो पहले स्ट्रिक्ट थे वो सब खत्म कर दिए, जिसकी वजह से फांसी के वहाँ पे अड्डे बन गए। ये गांडू यहाँ कैसे आ गया? इंडिया जो है वो एक रीजनल पावर है, इसमें कोई शक नहीं है, और ग्लोबल एम्बिशंस है, ठीक है, कैपेबिलिटी भी रखता है इंडिया, और इंटेंशन भी है। इस्लाम में क्लियर अल्फाज में कहा है कि औरत है ना वो मर्द की गुलाम है। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं। ये क्या है? और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। और दूसरी तरफ आप देख ले, हिंदू धर्म में देवियां हैं, कहीं हमने हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखा कि भेदभाव हो कि औरत की आधी विरासत है या आधा हिस्सा है या ये वो। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता हमारे पूर्वजों की विरासत पे मैं हंसूं या रोऊं, खुश हूं कि मातम मनाऊं। हमारी हजारों साल की परंपराओं को, हमारे हजारों साल के ज्ञान को दूसरे लोग अपना रहे हैं, देख के खुशी होती है, दिल खुश होता है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान पूरी दुनिया को प्रकाशित कर रहा है। लेकिन कितने अफसोस की बात है, ये हमारे देश के अंदर हमारे ही लोग हमारे ही ज्ञान के दुश्मन बने बैठे हैं। आज आजादी के 75 साल से भी ज्यादा हो गए हमारे देश में, और हमारे देश के सनातनी बच्चों को अपने धर्म के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि ना तो उनको पढ़ाया जाता है ना उनको बताया जाता है, बल्कि सनातन का मजाक और बनाया जाता है ताकि जब वो बच्चा सनातन के बारे में देखे तो उसको ऐसे लगे ये तो कुछ भी नहीं है, हल्का फुल्का धर्म है। वो खुद अपने धर्म का मजाक बनाता है, और ऐसे धर्म के मजाक बनाने वाले अपने आप को कहते हैं सेकुलर, उन्हें मैं कहता हूँ कीड़ा। कोई भी इंसान सेकुलर नहीं हो सकता है, कोई भी इंसान, उसका एक तरफ तो झुकाव एक्स्ट्रा होता ही होता है। हमारे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क किया है सेकुलरिज्म ने। मैं तो आज भी भारत सरकार से, सनातनियों से ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे आने वाले बच्चों को, हमारे आने वाले पीढ़ियों को, उनको भी रामायण और महाभारत का ज्ञान मिलना चाहिए। अब आप खुद ही देखिए ना, यहाँ पे इस्लाम को मानने वाले अपने मदरसे खोल के बैठे हुए हैं, क्रिश्चियन लोग जो मानते हैं वो अपने अपने स्कूल चला रहे हैं, वो अपने धर्म का ज्ञान बांट रहे हैं, खुलेआम धर्मांतरण कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर हमारे बच्चों को ना तो रामायण पढ़ाई जा रही है ना गीता पढ़ाई जा रही है, रामायण गीता महाभारत के बारे में। लेकिन जो विदेशी जो भारत के बाहर रहते हैं उनको पता है ये क्या चीज है, ये अमृत तुल्य ज्ञान है जो कि हमारे पूर्वजों ने एकत्रित किया था, और उस ज्ञान का लाभ उठाने के अंदर पूरी दुनिया रेस लगाए बैठी है। उन्हीं के अंदर आप सऊदी अरबिया, सऊदी अरब के अंदर भी अब बचपन से ही बच्चों को रामायण महाभारत गीता का ज्ञान दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। छाती चौड़ी हो जाती है ये सुन के। बहुत बढ़िया। जैसे खबर पहुंची पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तानियों का इस्लाम आ गया खतरे में, क्योंकि सऊदी अरेबिया ही ऐसा मुल्क है जहां से इस्लाम पैदा हुआ, इस्लाम बना चला और पूरी दुनिया के अंदर फैला, चाहे वो तलवार के जोर पे फैला हो, चाहे साम नाम दंड भेद करके, झूठ फरेब करके, जिस तरीके से भी फैला हो, लेकिन फैला तो है। जननी अगर कोई है इस्लाम की तो वो सऊदी अरेबिया, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और इस्लाम के जो सबसे पवित्र स्थान जिन्हें कहा जाता है मक्का और मदीना, वो भी वहीं पे ही है। हालांकि कुछ कथाओं में तो ये भी बताया गया है कि जो मक्का है उसको मक्केश्वर महादेव कहते हैं, लेकिन मैं अभी इस चीज में नहीं जाना चाहता। लेकिन ये खबर जैसे ही पाकिस्तान में पहुंची, पाकिस्तानियों का इस्लाम आ गया खतरे में, खतरे में, खतरे में, क्योंकि इनका इस्लाम जो पाकिस्तानियों का इस्लाम है बहुत कमजोर इस्लाम है, कन्वर्टेड इस्लाम है, क्योंकि इनके पूर्वज भी हिंदू थे, तो इस्लाम तो इनका जल्दी से खतरे में आ जाता है कि हमारा इस्लाम खतरे में आ गया है, मोहम्मद बिन सलमान पागल हो चुका है। लेकिन इन जाहिलों को नहीं पता है कि जो सनातन की परंपरा है, जो विरासत है, जो ज्ञान है, वो कितना अमृत तुल्य है। तो बिना देर के चलते हैं इन पाकिस्तानियों की जहालत का आनंद लेने। चलो भाई, अभी सऊदी अरेबिया के हवाले से खबर आ रही है कि भाई सऊदी अरेबिया के जो टेक्स्ट बुक है, जो उनका सिलेबस है, स्कूल का सिलेबस है, उसमें भगवत गीता, रामायण, जो मतलब हिंदुइज्म के हवाले से कोर्स है, वो शामिल किया जा रहा है। क्या सबसे पहले इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? मैं खुद 12 साल वहाँ पे रह के आया हूँ सऊदी अरेबिया, तो बड़ा अच्छा लगेगा इनसे बात। ठीक है,
लेकिन मैं बड़ा अफसोस होता है ये सुन के कि वहाँ भी ये लोग जो इंडिया से चीजों को पिक कर रहे हैं, हालांकि वो ऐसी कंट्री है कि जहाँ लोग देखने जाते हैं वहाँ पे उमरा करने जाते हैं, नए यानी कि लोग जहाँ यहाँ पे बड़ा अच्छा यानी कि अपने दिल को साफ करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, लेकिन आजकल वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे सेल्फियां लेने के लिए जाते हैं लोग। अच्छा। मक्का के आगे खाना खा के खड़े हैं तो वो सेल्फी ले रहे हैं, तो यानी कि ये सिर्फ ना तस्वीरों के हद तक रह गया इबादतें। अच्छा ठीक है, उनके रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर हो रहे हैं। आपने अगर आप बताएं 12 साल वहाँ रहे हैं तो कैसे इंडियंस वहाँ पे किस तरीके से, वहाँ की जो गवर्नमेंट आई है उसने वो बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड कर दिया है हर चीज, वो चाह रहे हैं जी की हर चीज बहुत ओपन होनी चाहिए। अब जितनी ओपन होगी डेफिनेटली वहाँ पे हया खत्म होती जाएगी। अच्छा ठीक है, अब वहाँ पे अबाया खत्म कर दिया। अच्छा ठीक है, वहाँ पर रूल्स जितने भी हैं जो पहले स्ट्रिक्ट थे वो सब खत्म कर दिए, जिसकी वजह से फाशी के वहाँ पे अड्डे बन गए। अगर हम बात करें अबाया खत्म करने से फाशी का क्या तल्लुक है, ऐसे तो पाकिस्तान में भी कोई ऐसा कानून नहीं है कि आपने अबाया लेना तो क्या इसकी वजह से फाशी होती है। ये देखिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर भी ये चीजें होनी चाहिए। अच्छा आय हाय मोहम्मद बिन सलमान, इतने भी जालिम ना बनो कि कन्वर्टेड मुसलमान परेशान हो जाए, दिल दुख गए कन्वर्टेड पाकिस्तानी का। वहाँ पे रामायण गीता उनकी जो महाभारत ये जितनी भी चीजें हैं ये सब उनके सऊदी अरेबिया अपने सिलेबस में 2030 तक बकायदा तौर पे शामिल कर देगा, ये भी न्यूज आई है, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की जो मार्केट है ना इस वक्त, अच्छा दैट इज द बिगेस्ट मार्केट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ट्रेड में आपने देखा है कि इस वक्त इंडिया जो है पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। समझ गया। अच्छा। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि आई एम डिप्टी कलेक्टर इन कस्टम्स, मैं वाघा पोस्ट वाघा स्टेशन पे वाघा बॉर्डर पे मैं पोस्टेड रहा हूँ अफेयर सा। अच्छा। वहाँ से टोमेटो आते थे, इंपोर्ट होते थे पाकिस्तान इंडिया से। ठीक है। और डेली तकरीबन आज से, अब तो शायद ट्रेड कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से बंद है, तो जब हमारी ट्रेड उनके साथ चल रही थी और अफगानिस्तान से भी जो ड्राई फ्रूट आता था वो इंडिया जाता था थ्रू वाघा बॉर्डर जाता था। अच्छा। ट्रांजिट यहाँ से होता था। ठीक है। तो अब चूंकि हालात ऐसे हैं कि काफी देर से ट्रेड बंद है। ठीक है। लेकिन उस वक्त जब एट दैट टाइम आई वाज पोस्टेड देयर, तो उस वक्त कम से कम 500 ट्रक डेली बेसिस पे उधर से इधर आता था। ठीक है। अच्छा, ऐसे तो चाइना की मार्केट या चाइना की इकोनॉमी इंडिया से ज्यादा बेहतर है, फिर चाइना का सिलेबस या चाइना की जो उनके सारे सिस्टम है वो क्यों नहीं सऊदी अरेबिया अडॉप्ट कर लेता, इंडिया का क्यों कर रहा है? अगर यही रीजन है कि जी उनकी मार्केट बढ़ी है तो इसलिए। एक्चुअली बात यह है कि थोड़ा सा ना इस चीज को भी देखना पड़ता है सारे ट्रेड के साथ साथ, क्योंकि ट्रेड एक मेन जंक्शन होता है किसी भी मुल्क का किसी से। चाइना से हमारा एक फ्रेंडशिप है। ठीक है। और हम उसको उसके गीत क्यों गाते हैं कि वो हमारी हर मौके पे हेल्प करता है। अरे चाचा, तुम्हारी हेल्प नहीं करता, तुम्हारे मुंह पे चंद टुकड़े फेंक के मारता है ताकि तुम जो मुसीबत में फंसे हो निकल जाओ, फिर थोड़े दिन के बाद में फिर फंसोगे, फिर जाके कटोरा फैलाओगे, फिर तुम्हारे मुंह पे कुछ टुकड़े फेंक के मार देगा और तुम राजी हो जाओगे। चाइना तुम्हारी मदद नहीं करता, वो अपना उल्लू सीधा करता है, समझो इस बात को। सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो फाइनेंशियली होता है। मिसाल के तौर पर अब हम चाइना के गीत गाते हैं, सऊदी अरब के गीत गाते हैं। अच्छा। क्यों गाते हैं? क्योंकि हमें हेल्प चाहिए। जब भी हमारे ऊपर कोई सर्कमस्टांसेस बैड आए हैं तो उस वक्त हमने हमें करोड़ों डॉलर अरबों डॉलर सऊदी अरब ने हमें दिए हैं, चाहे वो लोन की शक्ल में दिया या वैसे बेनिफिशियरी दिए, दैट्स द सेपरेट मैटर। उसके बाद चाइना हम कहते हैं जी हमारे भाई हैं, इसने उन्होंने हमारे किसी टाइम पे भी हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं किया, धोखा नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? कि जब भी हमारे I am sorry to say, but I am speaking the truth. इसमें मुझे कोई मजायका नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात करने लगा हूँ कि जिसमें हमारे मुल्क की बदनामी हो। अच्छा। हम तो बदनाम पूरी दुनिया में हो चुके हैं। हाँ भाई हाँ। वो क्यों? We are beggar in front of all over the world। चचा आगे लाइन पे। अबे तुम भिखारी थे, हो आगे भी रहोगे। सऊदी अरेबिया ये कल्चर, इंडियन कल्चर अडॉप्ट करता नजर आ रहा है, आपको नहीं लगता कि ऐसे वो घुल मिल जाएंगे, ऐसे वो मतलब ये है कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज दूसरे कल्चर के साथ मिल के पूरा एक जो है वो अपने इकोसिस्टम को बेहतर कर लेंगे? देखें, पाकिस्तान से सऊदी अरब को कोई फायदा नहीं है। अच्छा। इकोनॉमिकली पाकिस्तान उसको कुछ नहीं दे रहा। ठीक है। अगर हमारी कोई ट्रेड वहाँ हम कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी नहीं हो रही। तो वो भी मेरा ख्याल है कि अब पहले अगर 100% थी तो अब वो 10% रह गई है। ठीक हो गया। देखें,
किसी भी मुल्क को चलाने के लिए हर मुल्क का ये एक दस्तूर होता है कि जिससे उसको वहां से बेनिफिट हो रहा है उसके साथ उसके ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हो जाते हैं। अब आप देखें मोदी साहब गए थे वहाँ, ठीक है ऐसे ही है, और ये फ्यू मंथ्स बैक, ठीक है, तो वहाँ मैंने वो देखा है नेट पे कि उन्होंने उनको रेड कारपेट पे इस्तकबाल किया, प्रोटोकॉल दिया, ठीक है, उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड भी मिला, ठीक है, और वहाँ उन्होंने जनाब सलमान साहब जो सऊदी अरब के फरमारवा हैं, ठीक है, उन्होंने सऊदी अरब का सबसे बड़ा जो अवार्ड है सिविल अवार्ड है वो उनके गले में पहनाया उन्होंने अपने हाथों से, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने तो हम यहाँ पे नारा लगाते हैं मोदी का जो यार है वो गद्दार है या वो मस्जिद, तो देखे ना हमारी कायनात की सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद नबी वहाँ है, हमारी वहाँ 100 मस्जिदें भी बन जाए तो उसकी कोई बात नहीं है क्योंकि वो भी मुसलमान है, भी मुसलमान, ठीक है। अब देखने की चीज ये है कि उन्होंने एक वहाँ बहुत बड़ा मंदिर बनाया है और उसकी सऊदी हुकूमत ने परमिशन दी है, यूएई में वो मंदिर, लेकिन मेरा मकसद क्या है टेरिटरी तो एक ही है ना, अब उसमें उन्होंने उनको बकायदा इजाजत दिया और उसका बकायदा जब वो हुआ है जो इसकी इनॉगरेशन हुई है उसमें जनाब उनके यूएई के बहुत बड़े जो टॉप क्लास रूरल्स थे वो उसमें शामिल हुए हैं और यहाँ से इंडिया से मोदी साहब वहाँ गए, नो डाउट, और उन्हीं दिनों मैं भी वहाँ पे था, मैंने वो वहाँ पे गया, मैंने वो कवर किया, बात इनकी वही आ रही है कि जहाँ ट्रेड होते हैं ना वहाँ पे कल्चर भी एक्सचेंज होता है और मेन चीज यही है कि आपने खुद को कैसे प्रमोट करना। अरे चाचा तुम लोग क्यों प्रमोट करोगे अपने आप को, तुमने तो अपने आप को मनवा लिया है पूरी दुनिया के अंदर की अगर पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई टेररिस्ट मुल्क है तो वो पाकिस्तान है, तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है, सबसे ज्यादा कोई टेररिस्ट फैलाता है तो वो पाकिस्तानी है, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तुम्हारे मुल्क में इतने आतंकवादी है तुम्हारे ना तो तुम्हारी आर्मी को पता है ना तुम्हारे पुलिस को पता है ना तुम्हारी सरकार को पता है, तुम खुद चलते फिरते आतंकवादियों पता नहीं कहाँ फट जाओ अल्लाह अकबर बोल के, तो तुमने अपने आप को साबित करा हुआ भाइयों, चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हारे में, नाम कमाया तुमने भी, हल्की कौम नहीं हो तुम, वाह भाई वाह। खैर पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने बाद आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी इन पाकिस्तानियों को रगड़ा लगा के जाइए जैसे शेन वॉर्न लगाता था ना अपनी गुगली से अपनी स्पिन से वैसे, ठीक है जी, आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।